क्या दोस्तों आपके भी मोबाइल में व्हाट्सएप में मैसेज एडिट का आइकन नहीं आ रहा या मैसेज एडिट का बटन नहीं आ रहा तो किस प्रकार ला सकते हैं हम आज के इसी वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों एक सब्सक्राइब ने मेरे को कमेंट करके बताया थे कि मेरे व्हाट्सएप में मैसेज एडिट का बटन नहीं आ रहा है तो मैं किस प्रकार ला सकता हूँ। तो दोस्तों आप भी इसी वीडियो को एंड तक देख लेना, आपको भी समझ में आ जाएगा और आपके भी मोबाइल में व्हाट्सएप में मैसेज एडिट का आइकन नहीं आ रहा तो भी लाना सीख जाओगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आपको कोई पैसा कोई चार्ज नहीं कटेगा, तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। उसके बाद गाइस आपका यहाँ पर व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना। सबसे पहले आपका यहाँ पर मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना और दोस्तों आपका यहाँ पर सर्च कर लेना व्हाट्सएप। जैसे आपको व्हाट्सएप को सर्च करने बाद गाइस आपका यहाँ पर व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना। जैसे आपके मोबाइल में व्हाट्सएप ने ऑलरेडी उसको अपडेट करके रखा होगा तो गाइस आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा कोने में कोने थ्री डॉट का आइकन, उस पर टैप कर लेना और दोस्तों आपका यहाँ पर नीचे जो दिखाई दे रहा अनेबल ऑटो अपडेट, उसको आपको चिक बार को ऑन कर लेना। जैसे उसको ऑन कर लोगे तो व्हाट्सएप में नए नए फीचर नए नए अपडेट आएंगे, वो आपको यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिल जाएगा और आप भी अपने व्हाट्सएप में नए नए फीचर का आनंद ले सकते हो। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर व्हाट्सएप को ओपन कर लेना। जैसे दोस्तों अपने मोबाइल में व्हाट्सएप को ओपन करोगे तो दोस्तों अपने मोबाइल में किसी भी एक बंदे को सेलेक्ट कर लेना। जैसे दोस्तों आपका यहाँ पर दिखाई दे रही मैं आपको दूसरी आईडी सेलेक्ट कर ली। उसके बाद गाइस आपका अगर मैसेज एडिट का आइकन नहीं आ रहा है तो किस प्रकार ला। तो आपने देखा मैंने व्हाट्सएप को अपडेट कर लिया था, अपडेट करने बाद गाइस आपको किसी को मैसेज सेंड कर लेना। जैसे फ्रेंड्स आपका यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ गोइंग टू चित्तौड़। जैसे फ्रेंड्स आपका यहाँ पर दिखा जाए मैंने आपको गोइंग टू चित्तौड़ टाइप किया और इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो गाइस आप इसी मैसेज को एडिट करना चाहते हो तो गाइस आपको इसको प्रेस करके रहना। जैसे उसको प्रेस कर रखोगे तो गाइस आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा कोने में कोने थ्री डॉट का आइकन, उस पर क्लिक कर लेना और गाइस आपका यहाँ पर दिखा एडिट का बटन आ चुका है। मैं यहाँ पर मैसेज को एडिट करना चाहता हूँ तो भी इस प्रकार कर सकता हूँ। तो दोस्तों आप भी अपने मोबाइल में किसी मैसेज को एडिट करना चाहते हो या ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इस प्रकार ला सकते हो। और दोस्तों आपके मोबाइल में व्हाट्सएप को अपडेट करने बाद भी आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना और मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, मैं आपकी समस्या को सॉल्व भी करूँगा। तो फाइनली गाइज ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और फ्रेंड्स से वीडियो कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।